नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक न्यूमरोलॉजी का केस जो कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और उसके साथ ही आने वाले मेरे नए न्यूमरोलॉजी के कोर्स के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस लूसो ग्रिड के द्वारा कि इस जातक के चार्ट में तकरीबन जो मैंने किसी भी चाहे कलर कोडिंग की फॉर्म में लिखा है, चाहे वो आप कह सकते हैं ड्राइवर कंडक्टर और कुआ की फॉर्म में लिखा है, तो आप देख सकते हैं जातक के तकरीबन चार्ट में सारे नंबर पूरे हो रहे हैं। और एक बहुत रेयर केस होता है कि किसी के भी चार्ट में इस तरह से सारे नंबर हमें जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। नो डाउट अगर आप डायरेक्टली देखेंगे कुछ कुछ ना कुछ इस चार्ट में नंबर फिर भी मैच कर रहे हैं। मतलब हुआ नंबर अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ड्राइवर नंबर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कंडक्टर नंबर एक नंबर पार्ट है, जो डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर दिए हुए हैं उसके अलावा ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मेरी कुछ अपनी और जनरेशन डी जनरेशन की टेक्निक्स है, उसके हिसाब से नंबर को हम जनरेट करते हैं। तो वहां पर आप इस देखेंगे जातक के पास सारे नंबर, तो इसका मतलब ये जातक ब्लेस्ड। जैसे हम वैदिक में कहते हैं कि भाई जुपिटर और शुक्र का जब संबंध आपस में बन जाए, डायरेक्टली ट्राइन में बन जाए या कंजंक्शन के द्वारा बन जाए, तो वहां पर हम कहते हैं जातक ब्लेस्ड। सेम वे अगर न्यूमरोलॉजी में अगर हमारा ग्रिड पूरा होता है या ग्रिड में मैक्सिमम नंबर्स हमें मिल रहे हैं, हम कहते हैं ये जातक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक ब्लेस्ड पर्सन है। अब वो ब्लेस्ड फैमिली की वजह से है या अपने हार्डवर्क की वजह से। ब्लेस्ड का मतलब सिंपल यही होता है, जुपिटर और वीनस जब वैदिक में देते हैं तो वो उस फैमिली में जन्म देता है जहां पे पहले से ही बहुत कुछ प्रोजेक्शन ऑलरेडी है। ठीक है, तो आप ये इसको मान सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर चार्ट में चलो वो नंबर की टेक्निक है, वो कोर्स का पार्ट है, जो या पहले जानते होंगे वो इस चीज को समझ गए। तो यहाँ पर मैंने फेवरेबल एनिमी नंबर न्यूट्रल नंबर सब निकाले, में मैजिक नंबर लॉटरी नंबर कोई है नहीं, ये कोई हिडन भी नहीं है, सब जगह निकलते हैं। इसमें मैंने ये अंदर का जो डायगनल वाला बनाया हुआ है, ये मेरे कोर्स का एडिशनल पार्ट। जैसे इसमें आठ योगा होते हैं, तीन वर्टिकल तीन हॉरिजॉन्टल और दो डायगनल वाले, सभी लोग उसको करते हैं। इसके अलावा मैं ये चार योगा और ऐड करके पढ़ाता हूँ, जातक की करैक्टरिस्टिक मुझे उससे बहुत अच्छी मिलती है, या उसकी हेल्थ के बारे में जो कमेंट करना होता है तो मुझे वो कंपैरेटिवली अच्छा मैं कर पाता हूँ। इसके अलावा जो है आप ये देखेंगे जातक के बहुत सारी चार्ट में ब्लेस्ड वाली चीजें हैं, तो ये वेल ऑफ हो सकता है या वेल ऑफ है। उसके साथ आप देखेंगे कि मैंने ड्राइवर कंडक्टर के साथ पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे भी निकाले हुए, वो इसको इंडिकेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर ईयर में अगर ये चार्ट के ऊपर रीड कर रहा हूँ, ये जातक 60th ईयर में चल रहा है, एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, एक बहुत ही अपना सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन टाइप का आप कह सकते हैं जो। लेकिन अभी कुछ ऐसी सिचुएशन कि भी जैसा आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, सब जगह दुनिया बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, और उन काम करने के तरीके के हिसाब से बंदे को एक चेंज की तरफ हमेशा तैयार रहना चाहिए, बदलाव की ओर तैयार रहना चाहिए। तो इस जातक ने इस साल एक जॉब ज्वाइन की, अब ये जॉब के साथ आगे बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा वो गलत बात है। अब इसी साल इसने जॉब 60th ईयर में क्यों की, दिस इज द क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप इसके चार्ट में यानी इसके न्यूमरोस्कोप में या लक्ष्मी यंत्र में या लूसो ग्रिड, जो भी आप एक वर्ड यूज करना चाहें, मैं यहाँ पे एक मिनट टॉर्च ले लेता हूँ ताकि उस पर कंसंट्रेट कर पाऊँ। आप देखिए सारे नंबर हैं, लेकिन जो ये जो प्रोमिनेंटली नंबर इसको बाई बर्थ मिले हैं, ये ब्लैक पेन से मैंने ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं। वो ब्लैक पेन में देखेंगे तो इसके पास डबल टू है, तो डबल टू का मतलब है कि सिंगल नंबर से हमेशा डबल नंबर बेटर होता है। कि आप अगर जिंदगी में अकेले खड़े हैं और आपके साथ कोई सहयोगी बना है बैठा है, तो आप अकेले की बजाय दो मिलके अच्छा परफॉर्म करते हैं।
वन अलोन है, टू कंपनी है, थ्री में आजकल क्राउड वाला ही हिसाब है कि मतलब बंदा उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता, कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती है। तो इसलिए टू नंबर्स आर ऑलवेज बेटर। तो दो काले नंबर हैं तो इसका चार्ट में देखेंगे तो इसका आप कह सकते हैं टू नंबर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर जब ये दशा निकालने का जो सिस्टम है उससे मैंने दशा निकाली तो देखेंगे इस साल 2021 से इनकी चल रही है, जब इनका बर्थ है 2021 से लेकर 2023 तक इनकी चंद्रमा की दशा चली। ये दशा सिस्टम वैदिक से टोटली डिफरेंट है, ये न्यूमरोलॉजी का दशा सिस्टम है जिसमें महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर में निकालना सिखाता हूँ। ये आपको बाकी चैनल पे भी पता चल जाएगा, आप देख सकते हो तो कोऑर्डिनेट करें। तो यहाँ पर मून की महादशा चल रही है, नंबर स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर देखा देखिए इनका जो पर्सनल ईयर इस साल चल रहा है वो भी 5 चल रहा है, और वो पर्सनल ईयर जो 5 चल रहा है वो ड्राइवर और कंडक्टर को भी सपोर्ट कर रहा है। जब मैंने यहाँ पे महादशा निकाली वो भी बुध की निकली, वो बुध 5 नंबर को इंडिकेट करता है। तो मून और मरकरी बहुत प्रोमिनेंट हो गए इस जातक को प्रोफेशन में दोबारा खड़ा कर रहे हैं। प्रत्यंतर दशा मैंने नहीं निकाल दी, रैंडमली एक सीक्वेंस किया है, क्योंकि अगर दशा महादशा और अंतरदशा इंडिकेट कर रही है, प्रत्यंतर तो वो टाइमिंग देगा कि भाई उस महीने में, क्योंकि वो उसमें नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, और कई बार हमने देखा है कि 1-2-3 महीने के अंदर पूरा वो साइकिल चेंज हो जाता है। तो इसीलिए जब मैंने टेंटेटिवली देखा तो ऑब्लिक इसलिए किया है कि मेरे को सैटर्न का लगा कि सैटर्न के, क्योंकि ये फाइनेंशियल एडवाइजर पोजीशन पे है बंदा, तो इसी चीज पे अगर मान लीजिए अगर ये बाहर का बंदा है, विदेश का बंदा है तो अगर ये मान लीजिए वहां पर, क्योंकि 8 नंबर के बाद वो सडनली एक दिन का ओवरलैपिंग है, तो नेक्स्ट उसकी दशा सन की होगी। तो इसलिए मैंने सैटर्न और ऑब्लिक सन लिखा हुआ है प्रत्यंतर दशा के केस में। तो इस तरीके से अगर आप कोई चार्ट को एनालिसिस करना चाहते हैं, मेरे न्यूमरोलॉजी की वीडियो देखकर आपको कुछ कंटेंट में दम लगता है, या आप प्रिडिक्शंस उससे अपनी मैच करना चाहते हैं, ऑलरेडी आपको भृगु नंदी नाड़ी या वैदिक आती है और आप एक ऐसे दूसरे टूल की खोज में हैं जो आप उतना ही प्रोमिनेंटली रिजल्ट को देता हो, और आप उससे दोनों से अगर वो वेरीफाई करके कॉमन डेट्स निकाल सकते हैं तो आपकी प्रिडिक्शंस में प्रूफ हो जाता है। तो अगर इस बेसिस पे आप सीखना चाहते हैं, या आप बिल्कुल न्यूमरोलॉजी जानते नहीं और नए सिरे से जानना चाहते हैं, और क्योंकि ये बाकियों से आसान है क्योंकि ये नंबर सिस्टम्स के साथ प्ले करता है, तो आप इसको अगर हम उससे सीखना चाहें तो 16 तारीख से 2:30 बजे सैटरडे संडे का, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी किसी की क्वेरी है उनके लिए मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर आप उसके साथ एड ऑन हो सकते हैं या आप होना चाहते हैं तो आपको ये ओपन इनविटेशन है। बट इसके लिए मैं ये करता हूँ कि जैसे आपने देखा होगी मेरी चैनल पे, मैं हर किसी को सिखाने से पहले दो चीजें, दो प्लैनेट्स देखता हूँ। जैसे वैदिक सिखाते टाइम मैं जुपिटर और मरकरी देखता हूँ, भृगु नंदी नाड़ी सिखाते टाइम मैं जुपिटर और सैटर्न देखता हूँ, और न्यूमरोलॉजी सिखाते टाइम सैटर्न और मरकरी देखता हूँ। तो सैटर्न और मरकरी अगर आपका अच्छा होगा तो आप न्यूमरोलॉजी के लिए, चाहे वो केपी है जिसमें नंबर सिस्टम है, आप अच्छे से सीख सकते हैं। ऐसी मेरी धारणा है और इस धारणा के साथ मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, और ये मेरी क्लासिफिकेशन है जब मैं किसी को पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज को लोगों पे इम्प्लीमेंट होते हुए, उसको यूज करके आगे बढ़ते हुए देखा, उससे मुझे भी नुकसान नहीं होता और उनको फायदा होता है। तो ऐसे जातकों को ही मैं एस्ट्रोलॉजी में अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ, जो दिल से जो चीजों को, जो मेरे चार्ट्स थे मेरे नंबर के साथ उनको मैच करता हूँ। ये सैटर्न और मरकरी आपको तो न्यूमरोलॉजी सिखाने में या नंबर सिस्टम सिखाने में हेल्प करेंगे ही करके, साथ में जो सिखाने वाला है उसके चार्ट में भी अगर ये 8 और 5 प्रोमिनेंट है तो उसके साथ मैच होंगे, तभी वो आपको अच्छे से सिखा पाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही सही, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा आपको कंटेंट मिलते जाएंगे, जैसे जैसे मैं ग्रो करता जाऊंगा, जैसा मैंने आपको बोला हुआ है कुछ ना कुछ हमेशा मैं ओपन आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, क्योंकि मेरी थिंकिंग एस्ट्रोलॉजी के मामले में थोड़ी डिफरेंट है औरों से। मैं कोई एस्ट्रोलॉजी परिवार से नहीं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजी किसी बचपन से सीखा नहीं हूँ, लेट स्टेज में एंट्री के साथ अभी सीखा, और कुछ सिचुएशन ऐसी आई जिसको मुझे अपने कर्म काटने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कोर्स भी कराने हैं और अपनी नॉलेज को बाकी लोगों से शेयर भी करना है। तो दोस्तों जय श्री राम,
उम्मीद करता हूं कि आपको कंटेंट पसंद आ रहे होंगे और आप इस चैनल को अपना लाइक सब्सक्राइब और आगे दोस्तों में भी लिंक को फॉरवर्ड कर देंगे। जय श्री राम।